हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपने चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ रहे थे और उसका जो है थ्योरी लगभग लगभग हम लोगों ने कर लिया है। फाइनली हम लोग अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं और सबसे पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग करने जा रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक इक्वेशन और उसके हाफ लाइफ के बेसिस पे। ठीक है, तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बच्चो, ये हमारा एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। 75% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कम्प्लीट इन 125 मिनट। मतलब कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, वह जो है 75% उस रिएक्शन, वह जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है 125 मिनट में। तो बोल रहा है क्या कि अगर वह रिएक्शन 125 मिनट में 75% अगर कंप्लीट हो रहा है तो बताइए कि उसका हाफ लाइफ की वैल्यू क्या होगी। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो हाफ लाइफ की जो वैल्यू होती जो फॉर्मूला होता है वो टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के होगा। यानी कि ये फॉर्मूला से हम लोग जो है टी हाफ की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन मैटर है कि फिर के कहाँ से आया, क्योंकि के की वैल्यू तो हम लोगों को क्वेश्चन में दिया हुआ है नहीं। तो कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का यूज करके हम लोग के की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था, के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या किया, ये फॉर्मूला को लिखा और फॉर्मूला को लिखने के बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ए जो है हमारा यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और ए माइनस एक्स जो हमारा दिख रहा है नीचे में वो कंसंट्रेशन एट टाइम टी है, मतलब टी टाइम पे जितना कंसंट्रेशन बचा हुआ होगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखें तो इनिशियल कंसंट्रेशन क्वेश्चन में हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने सुविधा अनुसार इनिशियल कंसंट्रेशन को कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, आप इनिशियल कंसंट्रेशन को 1 मोल पर लीटर एज्यूम कर सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन को 2 मोल पर लीटर एज्यूम कर सकते हैं। मैंने 100 माना है ताकि कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए। तो अगर 100 माना है तो 100 का 75% रिएक्शन कंप्लीट कितना मिनट में होगा, 125 मिनट में। इसका मतलब देखिए, हम इनिशियल कंसंट्रेशन को 100 माने, ये फॉर्मूला टी की जगह पर मैंने 125 मिनट वैल्यू को पुट कर दिया है। फिर यहाँ पर 75% रिएक्शन कंप्लीट होने का मतलब क्या कि 75% रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, यानी कि एक्स की वैल्यू हुई ना वो, तो 100 माइनस 75। तो इसको मैंने, बच्चों इसको मैंने काटा 100 को मैंने कट किया है 25 से 4 टाइम्स में और फिर फाइनली जो है के की वैल्यू ये हमारा आया है। ठीक है ना, और के की वैल्यू से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है हाफ लाइफ की वैल्यू। तो हाफ लाइफ के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या है बच्चों, टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन के। अब के की वैल्यू को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो है फाइनली आपके टी हाफ की वैल्यू जो है वो ये 62.5 मिनट जो है आएगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, बोल रहा है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट, 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स, इन 10 मिनट्स कैलकुलेट ए स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट, कैलकुलेट ए स्पेसिफिक रेट कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन। बच्चों, कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 20% कंप्लीट जो है वो 10 मिनट में हो रहा है, तो पूछ रहा है कि बताइए उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये हमारा। तो के बराबर क्या था फॉर्मूला, 2.303 अपॉन टी इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। टी की वैल्यू कितनी थी, 10 मिनट्स। अब इनिशियली कुछ ना कुछ हमको एज्यूम करना होगा, तो 100 एज्यूम इसलिए कर रहे हैं बच्चों की ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए हम लोगों के लिए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन को मान लेते हैं अगर 100 है तो 100 माइनस 20% है, यानी कि 20, तो ये 80 हो जाएगा ना। तो 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 100 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों,
एट्टी हो जाएगा, यानी कि ये कट जाएगा 2 5 10, 2 4 8, यानी कि 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 5/4। बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से, अपॉन 10 इंटू लॉग ए बाई बी है तो लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग 5 माइनस लॉग 4, ठीक है। तो लॉग 5 की वैल्यू बच्चों 0.69 होता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2.303 अपॉन 10 इंटू लॉग 5 0.69। और बच्चों लॉग 4 है, ध्यान से देखिए आप, लॉग 4 है ना, तो लॉग 4 इक्वल्स टू लिख सकते हैं लॉग 2 to the power 2, तो लॉग ए का पावर बी हो जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 log 2। हमको लॉग 2 का वैल्यू मालूम है 0.3010, तो 2 into 0.3010 कितना हो जाएगा 0.6020, यानी कि 0.6020। मतलब बच्चों लगभग लगभग ये जो वैल्यू आएगा वो 0.69 में 0.60 घटा दीजिए आप लगभग, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 0.09, ठीक है। और फिर जब आप इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इस सबको गुना भाग करेंगे बच्चों, तो गुना भाग करने के बाद जो है आपको वैल्यू आएगी, k की वैल्यू जो आएगी वो टी के इक्वल्स टू 0.223 मिनट इनवर्स। अब चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो उसका हम लोग जानते हैं यूनिट कि सेकेंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर इनवर्स, या सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि टाइम इनवर्स होता है। तो बच्चों फाइनली आप इसको इसको जो है आप डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपका ये आंसर जो है आ जाएगा। हम लोग बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन देखे बच्चों आप लोग, इफ द हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट, व्हाट विल बी द टाइम टेकन for 1/4 of the reaction। अब बच्चों ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, बोला है कि if the half life of a first order reaction is 10 minutes, करा है कि कोई भी कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसका हाफ लाइफ का वैल्यू आपको दिए हुए है 10 मिनट्स, तो बोला कि व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर 1/4 ऑफ द रिएक्शन, मतलब कि कोई भी रिएक्शन का 1/4 पार्ट होने में कितना समय रहेगा आपको वह जो है कैलकुलेट करके बताना है। तो आप ध्यान से देख रहे इस क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। तो टी हाफ जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होता है 0.693 अपॉन के, तो ये वैल्यू आपको दिए हुए हैं टी हाफ 10 मिनट, तो 0.693 अपॉन के, जब यहाँ से आप के निकालेंगे तो 0.693 अपॉन कितना हो जाएगा 10, मतलब 0.0693 आ जाएगा के की वैल्यू। आपको बच्चों निकालना क्या है, व्हाट विल बी द टाइम टेकन फॉर 1/4 ऑफ द रिएक्शन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए आप, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t इंटू लॉग a अपॉन a माइनस x, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है बच्चों, मतलब 1/4
पार्ट के रिएक्शन के लिए कितना समय लगेगा, मतलब सिंपली कहने का मतलब है कि 25% रिएक्शन होने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल हम लोग ये क्वेश्चन को, बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर ए मान रहे हैं तो ए माइनस एक्स की वैल्यू कितना होगा बच्चों, ए इंटू 1/4 यानी कि ए बाई फोर। ध्यान से देखिए आप, लेट इनिशियल कंसंट्रेशन, हम लोगों ने ए मान रखा है पहले से ही, तो 1/4 ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1/4 ऑफ द रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, ए बाई फोर हो जाएगा। तो के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी, बच्चों ये टी निकालना है हमें, के की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेट कर रखा है 0.0693। ठीक है, इनटू लॉग, अब ध्यान से देखिए a अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों, a बाई फोर, तो a से ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आफ्टर सॉल्यूशन। तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.0693 इनटू लॉग 4। तो बच्चों लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, लॉग 2 टू द पावर 2 यानी कि 2 लॉग 2, लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 होता है तो उसका दोगुना कितना हो जाएगा, 0.6020 हो जाएगा। तो t इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.0693 इंटू ये वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 0.6020 के बराबर। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट करने के बाद जो है आपको टाइम जो है वो 20 मिनट के बराबर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग का ये भी क्वेश्चन हो गया है। अब कह रहे हैं क्या कि नेक्स्ट हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर अग्रसित होते हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको आपके एनसीईआरटी बुक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी क्वेश्चन भी है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से आप, बच्चों क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द टाइम रिक्वायर्ड, इन अ कंप्लीशन ऑफ 99.9% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अबाउट 10 times of 50% कंप्लीशन। बच्चों ध्यान से देखिए आप, कह रहा है क्या कि प्रूव कीजिए कि 99.9% रिएक्शन किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो है वह 10 टाइम्स ऑफ 50% रिएक्शन जो कंप्लीट होगा उसके बराबर होगा। मतलब आपको इस बात को प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हमारा जो टाइम जो लगेगा होने में वह जो है वह हाफ लाइफ का 10 गुना होगा, ठीक है ना। मतलब हाफ लाइफ हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये वैल्यू जो है एक दूसरे के क्या आएगा, बराबर आएगा। तो क्वेश्चन बच्चों बहुत आसान है। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने के लिए, और फिर एक इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं 50% रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, और हमें प्रूव करना है कि वो किस तरीके से 10 टाइम्स ऑफ 50% कंप्लीट रिएक्शन जो होगा उसके वो बराबर है। तो टी इक्वल्स टू टी 99.9 लिख दे रहे हैं बच्चों यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन के, ठीक है, इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब ध्यान से देखें,
रिएक्शन जो है क्या हो रहा है, 99.9% कंप्लीट हो रहा है। अगर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही ना है कि अगर 100 अगर हम लोग कंसंट्रेशन माने हैं तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 99.9%। तो हमारे यहाँ से एक इक्वेशन आ जाएगा 2.303 अपॉन k इंटू लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 99.9 t99 पे। बच्चों k की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगा। अब हम लिखते हैं एक पहला इक्वेशन बच्चों हमारा ये हो गया, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए आप, t 50%, ठीक है ना, t 50% के लिए क्या होगा, 2.303 अपॉन k इंटू लॉग 100 अपॉन 100 माइनस कितना होगा बच्चों, रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है यानी कि आधा कंसंट्रेशन खर्च हो गया होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 50। अब ध्यान से देखिए ये इक्वेशन टू, दोनों इक्वेशन को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 100 अपॉन 0.1 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के इंटू लॉग 100 अपॉन 50, ठीक है बच्चों। अब ये टर्म तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर क्या होगा देखिए ध्यान से, तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, लॉग 100 अपॉन 0.1 इक्वल्स टू लॉग 100 अपॉन 50, ये टू टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, और जब यहाँ से पॉइंट आप हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो बच्चों लॉग 1000 की वैल्यू जो है 3 log 10 होगा, और लॉग 2 की वैल्यू जो है कितना होगा, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए आप ध्यान से कि 3 log 10 की वैल्यू 1 3 इक्वल्स टू log 2 की वैल्यू 0.3010। बच्चों अगर आप इस वैल्यू में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है इसके बराबर आ जाएगा। आप ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, अगर बोला क्या जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो 99% जो कंप्लीट रिएक्शन जो हो रहा है, तो वो 50% रिएक्शन जब कंप्लीट होगा, ठीक है, तो ये 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में 10 गुना समय लगेगा। मतलब जितना समय 99.9% रिएक्शन कंप्लीट होने में जितना समय लगेगा, उसका 10 गुना समय 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगेगा, ठीक है। सॉरी उल्टा हो गया, मतलब 50% रिएक्शन जितना समय लगेगा होने में, उसका 10 गुना समय लगेगा 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में। तो आप ध्यान से देखिए ये कैसे, ये जो 3 वैल्यू आया और ये जो 0.3010 जो वैल्यू आया, ये एक दूसरे में कैसा संबंध रखता है। तो बच्चों सिंपल सा बात आप देख लीजिए यहाँ से, ये जो है t99% है ना, ये t99.9% पे ये वैल्यू आया है, और ये वैल्यू कितने पे आया है, t 50% पे आया है। अब बताइए कि ये वैल्यू जो है इस वैल्यू का कितना गुना है, तो सीधी सी बात है जब इसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये वैल्यू जो है इसके बराबर आ जाएगा। आप चेक कर लीजिए ना, 0.3010 इंटू 10, जब आप 10 जब अर्थ करेंगे और यहाँ पर आप पॉइंट हटा दीजिए तो 4 जीरो नीचे आ जाएगा, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर जो है जब इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो 3.010 वैल्यू आ जाएगा। तो लगभग लगभग ये वैल्यू 3 के इक्वल हम लोग कह सकते हैं, यानी कि हम लोग अब इस बात को अप्रूव करके हम लोगों ने दिखा दिया है कि जितना समय 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में लगेगा, उसका 10 गुना समय जो है 99.9% रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगेगा। प्रूव्ड, ठीक है बच्चों। हम लोग
देख लेते हैं एक आध क्वेश्चन और, ताकि कम्प्लीटली आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सब्सटेंस ए डीकम्पोजेज बाय अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन स्टार्टिंग इनिशियली विथ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू 2 m आफ्टर 2 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0.25 m। तो बोल रहा है कि फॉर दियर रिएक्शन व्हाट इज क्वेश्चन नंबर ए है बच्चों टी हाफ, और सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है के। बड़ा ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है हमारा ये। बोला कि कोई सब्सटेंस है ए, वो डीकम्पोजेज बाई अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग वो ए जो रिएक्टेंट है हमारा वो क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। स्टार्टिंग इनिशियली विथ कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू 2 m, तो इनिशियली स्टार्ट किया जा रहा है ए का कंसंट्रेशन जो है 2 mol/L के साथ, यानी कि शुरुआत में जो है ए का कंसंट्रेशन जो है वो कितना लिया गया है 2 molarity, ठीक है। तो बोला है कि आफ्टर 2 मिनट, यानी 2 मिनट के बाद कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.25 m, मतलब 2 मिनट के बाद जो है उसका कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है 0.25, यानी कि बच गया ना, यानी कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि वहाँ पर जो कंसंट्रेशन एट टाइम टी 0.25, यानी कि ए माइनस एक्स की वैल्यू होगी बच्चों। तो बोला है कि फॉर दियर रिएक्शन व्हाट इज के, है ना, और टी हाफ। तो बच्चों टी हाफ निकालने के लिए तो सबसे पहले हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो के की वैल्यू पता नहीं हमको, सबसे पहले हम लोग को जो है बी नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो व्हाट इज के, तो के की फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप लोग, 2.303 upon t इंटू लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। तो 2.303, अब बताइए टी की वैल्यू कितना है 2 मिनट, इनिशियल कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है बच्चों 2 upon, अब ध्यान दें कि 2 मिनट के बाद जो है कंसंट्रेशन कितना हो जा रहा है 0.25, यानी 0.25 कंसंट्रेशन बच रहा है ना, अगर 0.25 कंसंट्रेशन बच रहा है यानी कि ये जो वैल्यू कितना हो जाएगा जी ए माइनस एक्स की वैल्यू हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम टी बोल रहा है। अगर बोल रहा है कि आफ्टर 2 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ ए इक्वल्स टू 0.25 m, यानी कि 2 मिनट के बाद जो है ए का कंसंट्रेशन 0.25 m हो जा रहा है, इसका मतलब है कि वो रेस्ट बच रहा है ना 2 मिनट के बाद, तो इसका मतलब ये जो है वैल्यू किसके बराबर, तो ए माइनस एक्स के बराबर, इसका मतलब रिएक्शन कितना कंप्लीट हो गया होगा बच्चों 75%, लगभग 75% रिएक्शन कंप्लीट हो गया होगा, है ना, नहीं सॉरी 75% नहीं, हम लोग देख लेंगे उसके लिए जो है कोई अति नहीं है। तो आप देखे थे यहाँ पे, तो ए माइनस एक्स वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25 हटाएंगे आप तो 100 नीचे जाए ऊपर जाएगा, तो ये 4 times में कट जाएगा बच्चों, और ये कितना हो जाएगा 8, तो k इक्वल्स टू 0.2303/2 इंटू लॉग कितना हो जाएगा बच्चों 4 2 8। अब देखें इस क्वेश्चन को, तो 2.303/2 इंटू लॉग
टू का पावर थ्री लिख सकते हैं इसको, लॉग ए का पावर बी है तो बी लॉग ए 2.303 अपॉन टू और थ्री लॉग टू, लॉग टू के 0.3010 तो कितना हो जाएगा 3 into 0.3010। ठीक है, तो ये वैल्यू 2.3010 अपॉन टू इंटू 0.3010। ठीक है बच्चों, तो ये जो है हमारा क्या आ गया, K का वैल्यू आ गया। ठीक है ना, अब K की वैल्यू के बाद आपको फिर और भी निकालना है जो कि T हाफ है, यानी कि ये वैल्यू जो है 0.0104 मिनट इन्वर्स बराबर आएगा। अब क्वेश्चन नंबर ए जो था हमारा कि जो चूंकि पहले हमको बी सॉल्व करना है, करना पड़ा है, मजबूरी है, क्योंकि टी हाफ पहले निकालने के लिए हमको के की वैल्यू चाहिए था, लेकिन के की वैल्यू हमें तो मालूम था नहीं क्वेश्चन में, तो सबसे पहले के की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, जिस बेसिस पे हमारा बी का बी नंबर क्वेश्चन का आंसर पहले आ गया है। तो ए क्या है हमारा, टी हाफ 0.693 अपॉन के, तो बच्चों टी हाफ की जो वैल्यू होगी वो 0.693 अपॉन 0.0104। जब इस वैल्यू का फाइनली कट करेंगे तो कट करने के बाद जो है ये वैल्यू आ जाएगी आपको 66.63 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों आप लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे आप लोग इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत जल्द हम असाइनमेंट जो है टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे आप लोगों को, और सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस को आप लोग क्या कर लेंगे, बना लेंगे। मैं एक्टिवेशन एनर्जी पे ठीक अगले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है मैं आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।